لله رب العالمين <سؤال> والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بري الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله عليك يا نبي الله अलिका व اصحابिका या नूर अल्लाह प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन एक مرتبہ फिर आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं वेलकम कहते हैं प्यारे-प्यारे बच्चों हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का क्या नाम है लाइफ ऑफ मोहम्मद लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तो प्यारे बच्चों इस प्रोग्राम में क्या होता है इस प्रोग्राम में हम नबी करीम अलैहि आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के बारे में बहुत ही प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन आपको बयान करते हैं इन्फॉर्मेशन देते हैं नबी पाक अलैहि सलाम दिन रात किस तरह गुज़ारा करते थे नबी करीम अलैहि सलाम के जो आबाऊ अजदाद हैं यानी आपके वालिदैन आपके दादा परदादा तो उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसके अलावा और भी बहुत प्यारी प्यारी बातें हम आपको बयान करते हैं कुछ एक्टिविटी भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं आज भी एक्टिविटी भी है और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हैं आपसे गुजारिश है शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ शामिल रहें इन अज़ीज़ बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी आइए हर बार की तरह इस बार भी अपने प्रोग्राम का आगाज नबी करीम सलात पर दरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत से करते हैं अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया क्या फरमाया बच्चों तवज्जो से सुनना है आपने फरमाया जिसने किताब में मुझ पर दरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिगफार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे तो सारे बच्चे मिलकर दुरुद पाक पढ़ेंगे पढ़िए अलैहि वसल्लम। तो दुरुद पाक की फजीलत प्यारे बच्चों आपने सुन लिया है हमारे साथ किड्स मदरी चैनल के एक बहुत ही प्यारे नाथ मौजूद हैं तलहा अला भाई से इनशालाजीज एक बहुत ही प्यारा हमने कलाम भी सुनना है तला भाई कौन सा कलाम सुना रहे हैं तला भाई वो जो चाहे चांद को तोड़ दे वाह 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 क्या खूबसूरत कलाम है नबी करीम अली सलात वसलाम के इख्तियारात का इस कलाम के अंदर ज़बरदस्त जो है वो इजहार किया गया है वो जो चाहे चांद को तोड़ दें उन्हें इख्तियार दिया गया आइए प्यारे प्यारे बच्चों झूम झूम कर इस कलाम में शामिल हो जाते हैं

सुबहानल्लाबहान अल्लाह क्या खूबसूरत कलाम है और कितने ही प्यारे और बड़े ही आला अंदाज से हमारे तला भाई ने सुनाया है अल्लाह पाक भाई की आवाज़ में और बरकतें अताफ फरमाए नजरबद से बचाए और हम सब को इसी तरह इश्क रसूल अताफ़ फरमाए आमीन बिजाखिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो प्यारे बच्चों ये हमारा सेगमेंट भी अपने खिताब को पहुँचा आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानब जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ़ वसल्लम जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन बहुत ही प्यारा सेगमेंट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस सेगमेंट में आज हम आपको नबी पाक अली सलातम के प्यारे प्यारे दादा जान और नबी इस्लाम के परदादा जान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे ठीक है तो तवज्जो के साथ आपने उसको सुनना है नबी करीम ने जिस वक़्त अपने नबी होने का ऐलान फरमाया था तो उससे पहले ही नबी करीम के जो दादा जान थे हजरत अब्दुल मुतलिब और उनका इंतकाल हो चुका था लेकिन प्यारे बच्चों आप दीने हक पर थे यानी नबी पाक की जो दादा जान थे अगर नबी पाक के से पहले ही इंतकाल कर चुके हैं इसके बावजूद वो दीने हक पर ही थे और सिर्फ अल्लाह पाक की ही इबादत किया करते थे और अल्लाह के अलावा किसी को भी खुदा नहीं समझते थे इसलिए उन्हें भी मुवाहिद यानी अल्लाह पाक को एक मानने वाला कहा जाता है वो अल्लाह पाक को वो अल्लाह पाक को एक ही मानते थे और उसके अलावा किसी को शरीक नहीं ठहराते थे इसलिए आपको मुवाहिद, मुवाहिद का मतलब होता है अल्लाह पाक को एक मानने वाला तो ये आपको कहा जाता है इसके अलावा हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो कि नबी पाक के दादा जान तो उनके जो वालिद हुए वो नबी पाक के क्या लगेंगे परदादा भाई दादा के अबू क्या लगते हैं परदादा पर लगते हैं ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो परदादा थे उनका उनका नाम नाम क्या था उनका नाम हाशिम हाशिम्ला था वैसे तो इनका जो असली नाम था वो अमर नाम था इनका ठीक है अमर इनका असली नाम था लेकिन इन्हें हाशिम इसलिए कहा जाता है कि हाशिम कहते हैं उस शख्स को जो सालन में रोटियों को क्या करे मिक्स, करें। मिक्स कर दे हैं। रोटी और सालन दोनों को मिक्स कर दे जिसको हम कहते हैं शरीद बना देना तो इस तरह का कुछ वो कर दे तो इसके पीछे भी एक वाक्य है वो क्या है आइए सुनते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह के वालि साहब मक्का शरीफ से बाहर जाकर बिजनेस किया करते थे यानी हजरत हाशिम मक्के से बाहर जाते और क्या किया करते थे बिजनेस किया करते थे कारोबार किया करते थे एक मरतबा जब ये मुल्क शाम बिजनेस के लिए गए तो इन्हें मालूम हुआ कि मक्का शरीफ में कहत पड़ा हुआ खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और लोग खाने वगैरह के लिए बहुत मोहताज हो गए हैं बारिशें भी नहीं हो रही हैं बारिशें भी नहीं हो रही हैं पानी भी नहीं मिल रहा है और लोग खाने पीने के भी मोहताज हो गए हैं अब ऐसे में नॉर्मली क्या होता है जो बिज़निस मैन होता है वो सोचता है कि मैं चार पैसे और बना दूँ क्योंकि उस वक़्त परेशानी होती है ना लोग परेशान होते हैं तो महंगी चीज़ भी ख़रीद लेते हैं तो बिज़नस मैन बात बाज़ बिज़नस मैन की तमन्ना होती है कि हम मुनाफा ज्यादा कमा लेकिन हजरत हाशिम ने क्या किया कि आए थे वहां सेल कर दिया यानी बेच दिया और सिर्फ और सिर्फ गंदम और जानवर खरीद लिए दो चीजें खरीदी क्या क्या खरीदा नंबर एक गंदम और नंबर दो जानवर, जानवर।, जानवर। यानी बहुत सारे जानवर खरीद लिए और गंदम अच्छा खासा आपने खरीद लिया और उसके बाद आप मक्का शरीफ पहुंचे और वहां पहुंचकर प्यारे बच्चों उन्होंने वो सारे जानवर कुर्बान कर दिए सिबा कर दिए कुर्बान कर दिए और उन्होंने जो गंदम था उसकी रोटियां बनवाई और गोश्त का सालन बनवा कर वो सारी रोटियां उसके अंदर मिक्स कर ली और बहुत दिनों तक वो लोगों को खिलाते रहे इस वजह से आप हाशिम मशहूर हो गए तो हमें अच्छे काम करने चाहिए लोग अगर हमें पहचाने तो अच्छे काम से पहचाने बुरे काम से नहीं यार वो बच्चा जो बड़ी शरारतें करता है यार वो बच्चा जो हर वक्त रोता ही रहता है यार वो बच्चा जो वक्त जो है ना जो आता है बैठता ही नहीं है कहीं कभी ये चीज तोड़नी कभी वो चीज़ तोड़नी यार वो बच्चा जो हर वक्त रो चीखता रहता है चिल्लाता रहता है नहीं, कहीं, कहीं नहीं। YAR, वो बच्चा जो नमाज पढ़ने जाता है, है। nah, वो बच्चा जो सन्नतें और आदाब के ऊपर अमल करता है अरे वो बच्चा जो माशा अच्छे अंदाज से पढ़ता है मदरसे के अंदर भी पहली पोजिशन मुमताज़ आ रहा है स्कूल के अंदर भी उसकी फर्स्ट पोजीशन आ रही है मेहनत कर रहा है कोशिशें कर रहा है तो अच्छी आदतों से अपनी पहचान बनानी चाहिए तो हमें भी चाहिए कि हम भी अच्छी आदत को अपनाएं और फिर आखिरी बात यहाँ पे मैं कर देता हूँ हजरत हाशिम के बारे में बात हो रही है तो हज़रत हाशिम अली रहमा जो हैं आपका इंतकाल फलस्तिन के इलाके गज़ा में हुआ और आज भी इनकी मुबारक कब्र वहाँ पर मौजूद है और इन्हीं के नाम से मस्जिद हाशिम भी वहां पर मौजूद है अब भी इस वक्त भी वहां पर मस्जिद हाशिम क्या है मौजूद है ठीक है अल्लाह तबारक वाली हम सबको भी जो है वो नबी करीम व सलाम की और आपके आबाजदाद की बरकतें अता फ़रमाए इंशाल्लाह शह अगले प्रोग्राम के अंदर भी हम आपको नबी पाक के दादा जान और परदादा जान के बारे में कुछ मजीद इन्फॉमेशन देंगे लेकिन अभी हमारा ये सेगमेंट जो है वो अपने खतम को पहुँच चुका है आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबो रोज़ की हो। जी प्यारे प्यारे बच्चों इस सेगमेंट में हमारे साथ दो प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं एक मेरे दाए हैं और एक मेरे बाएं जानेब मौजूद हैं दाएं जाने वाली से नाम पूछते हैं जनाब आपका नाम क्या है उबैद, उबैद। और आपका नाम क्या है मोहम्मद असद रजा मोहम्मद असद रजा असद भाई और उबैद भाई हमारे साथ हैं और इनके पास भी कुछ प्यारी प्यारी बातें हैं आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे भी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं जी प्यारे बच्चों और चैनल के नाजरीन इस सेगमेंट में हम सुनेंगे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदतें आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस मुबारक आदत के बारे में सुनने जा रहे हैं वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा सच बोलना प्यारे बच्चों हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्यारा लकब भी है जिसका मतलब है सच बोलने वाले कुरान पाक में अल्लाह पाक ने सच बोलने की फजीलत बयान फरमाई और एक आयत में तो हमें सचो के साथ होने का भी इरशाद फरमाया है अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया तर्जुमा तंद ईमान ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो अल्लाह सुभान सुभान और प्यारे बच्चों हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी हमेशा सच बोलने का इरशाद फरमाया है जैसा कि एक हदीस पाक में आता है जब बात करो तो सच बोलो तो बच्चों नियत करें जब भी बात करेंगे सच बोलेंगे कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलेंगे तो हमें अल्लाह पाक से डरते हुए हमेशा सच बोलना चाहिए अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल वसल्लम का सच्चा पक्का आशिर बनाए और इनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए आमीन सुभान अल्लाह आमीन बिजाहिन नबी अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो प्यारे बच्चों हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए नबी पाक अली की सलातु व तो इस कदर सच्चे थे कि आपने जब ऐलान नबूवत फरमाया भी नहीं था ना तब से ही आप सादिक के लकब से मशहूर हो गए थे और लोग आप पर जो ईमान जोक दर जोक लेकर आ रहे थे उनमें एक वजह यह भी थी कि लोग आपको हमेशा सच्चा ही मानते थे कि आप सच्चे हैं आप तो कभी झूठ बोलते ही नहीं हैं तो हमें भी नबी पाक अली सलाम की इस मुबारक आदत को अपनाना है और हमेशा वो क्या बोलना है और झूठ नहीं बोलना अल्लाह पाक हम सबको हमेशा सच बोलने की तोहफी के फरमाए आमीन बिजाखिन नबील अमीन वसल्लम तो हमारा यह सेगमेंट भी प्यारे बच्चों अपने खिताब को पहुंचा आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट की जानब जिसका नाम है अल्फाज मोती जवाब अनमोल जी हाँ अल्फाज मोती जवाब अनमोल जी प्यारे बच्चों सेगमेंट है अल्फाज मोती जवाब जवाब अनमोल तो है लेकिन अनमोल आपने बनाना होगा उसको लिखना पड़ेगा और इस पे जो हमारा सेगमेंट है इस सेगमेंट का तरीक़ेकार क्या है पहले मैं आपको वो बयान कर देता हूँ तरीक़ेकार हमारा ये है कि हमारे पास यहाँ पर दो बोर्ड्स हैं एक तो बिल्कुल ब्लैंक है इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ और एक बोर्ड आप देख रहे हैं इसके ऊपर कुछ अल्फाज लिखे हुए ठीक है प्यारे बच्चों इन अल्फाज में से आपने अल्फाज ले लेकर एक पूरा जुमला जोड़ना है पूरा एक जुमला जो है वो आपने तरतीब देना है और उसके बाद फिर यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आकर उसको लिख देना है ठीक है तो हम करते हैं कि हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं यहाँ सीधे हाथ पर जो मेरे बच्चे मौजूद हैं इनको टीम ए कर लेते हैं और जो लेफ्ट साइड पर बच्चे हैं इनको कर लेते हैं टीम बी ठीक है टीम ए से पहले बच्चे को बुलाते हैं तो कौन सा बच्चा आएगा चले आप है. दुबैद भाई आप पैटर्न समझ गए क्या करना है समझ गए आए फिर व्हाइट बोर्ड के पास आएंगे आप और मार्कर रखा हुआ है मार्कर उठाएं और यहाँ से एक जुमला पहले आप देख लें कि आप कौन सा जुमला तरतीब देना चाहेंगे जब ये जुमला पूरा मुकम्मल तरतीब दे देंगे तो फिर एक बहुत ही प्यारा एक जुमला बनेगा बड़ा अनमोल सा जुमला बनेगा जो कि हमें एक बहुत ही प्यारी बात सिखाएगा उबैद भाई वक्त आपके पास इतना ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा वक्त है और जल्दी जल्दी करना है आपने उसमें चलें जल्दी करें उबैद भाई उबैद भाई कुछ लिख रहे हैं देखते हैं कि क्या लिख रहे हैं वाइट बोर्ड ध्यान से पकड़िएगा सारे बच्चे काउंट डाउन देंगे मिलकर टेन नाइन एट सेवेन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और आपने लिख लिया मुकम्मल कर लिया जुमला जी देखते हैं जी आपने क्या लिखा है आपने जुमला लिखा है हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं है वो आपको बताते हैं लेकिन पहले यहाँ बताएं यहाँ पर ये यह अल्फाज कहाँ लिखे हैं जी उबैद भाई आप सबसे पहले तो ये बताएं कि हमें का लफ्ज यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है क्योंकि मुझे दो जगह पर हैं लिखा हुआ तो नजर आ रहा है एक जो है वो यहाँ पर हैं लिखा हुआ है आप थोड़ा सा इस तरफ आएंगे यहाँ पर भी है लिखा हुआ है और यहाँ पर भी है लिखा हुआ है और एक ये भी है लिखा हुआ है लेकिन हमें एक लफ्ज़ मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा वैसे तो आपने जुमला जो लिखा है ये जुमला तो दुरुस्त लिखा है कि हमें नमाज़ की पाबंदी करनी चाहिए और करनी भी चाहिए ठीक है करेंगे इन शह नमाज की पाबंदी करनी भी चाहिए लेकिन यहाँ जुमला तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारे फॉर्मेट के हिसाब से आपको जो यहाँ अल्फाज लिखे हुए उन्हीं में से लफ्ज़ को चूज़ करना था और फिर वहां पर लिखना था चलें अपनी जगह पर तशरीफ रखें बहरहाल आपने एक अनमोल जुमला तो हमें दे ही दिया है बढ़ते हैं टीम बी की जानब और टीम बी वाले बच्चे जो है वो हमारी तरफ मुतव रहें और टीम बी से कौन सा बच्चा आना चाहेगा जी आप भाई सबसे पहले तो नाम बताइए मोहम्मद असद रजा मोहम्मद असद रजा असद भाई ने हमें कुछ देर पहले बहुत प्यारी प्यारी बातें भी बयान की थी और हमारी एक्टिविटी के सेगमेंट में भी आए हैं मर मरकर पकड़िए आप और वाइट बोर्ड के पास पहुंची हैं और देखते हैं आप जुमला क्या लिखते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा हम्म और कर रहे हैं और जुमला जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वैसे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है लगता है कोई जुमला इन्होंने पकड़ लिया है और जुमला जोड़ने की नीयत कर ली है देखते हैं क्या हमें अनमोल सा जुमला देते हैं अल्लाह कबिया चले काउंट डाउन देते हैं सारे बच्चे मिलकर शुरू करते हैं है जी शुरू करते हैं टेन नाइन एट सेवन, सेवन, सेवन फाइव फोर थ्री टू वन मदीना चले, आपका आखिरी लफ्ज रह गया तो मैंने कहा आपको आखिरी लफ्ज देते हैं आपने लिखा है कि हमारे माँ बाप अल्लाह पाक की रहमत है चले पहले तो ये बताए आपने जो यहाँ से अल्फाज लिए हैं वो अल्फाज कहा लिखे हमारे हमारे के बाद लफ्ज है माँ ये कहाँ है माँ मा बाप माँ बाप अल्लाह पाक की अल्लाह पाक अल्लाह पाक अल्लाह पाक हम्म की पाकमत रहमत है सारे बच्चे कहेंगे आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे माशाल्लाह हमारे माँ बाप अल्लाह पाक की क्या है रहमत है और वाकई माँ बाप जो है वो अल्लाह पाक की रहमत है हमें उनका अदब करना चाहिए उनका एहतराम करना चाहिए उनके सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करनी चाहिए और अगर वो कोई बात हमें कहें तो बात को मान लेना चाहिए ठीक है बढ़ते हैं दोबारा टीम है की जानेब और टीम है से एक और बच्चे को बुलाते हैं कौन आना चाहेगा चले आप सबसे पहले नाम बताएंगे अपना अतीब हुसैन अतीब हुसैन अतीब हुसैन भाई हमारे साथ मौजूद हैं अतीब हुसैन भाई फॉर्मेट तो आपने देख लिया है समझ लिया है अब माइक आप मुझे देंगे और सीधे हाथ से लेंगे और सीधे हाथ से माइक देंगे ठीक है आइए सीधे हाथ से लेना और सीधे हाथ से देना क्या है सुनना थे कोई भी चीज दे तो सीधे हाथ से लें और सीधे हाथ से दें ठीक है अतीब हुसैन भाई जुमला तरतीब दे रहे हैं थोड़ा सा जल्दी करेंगे अतीब भाई अल्लाह अकबर कबीरा हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए एक एक जुमला जुमला आपने जोड़ा था और तरतीब दिया माँ बाप अल्लाह पाक की रहमत है वैसे मैं एक बात कर रहा था जब तक ये जुमला तरतीब दे रहा मैं एक बात और सोच रहा था आपने कहा अल्लाह पाक फिर आपने कहा की तो यहाँ पर अल्लाह पाक की एक साथ लिखा हुआ था पर गौर नहीं आपने वहां पर गौर नहीं किया चलें कोई बात नहीं लेकिन ये कि यहाँ से आपने लिया या वहां से लिया जुमला आपका जो है वो दुरुस्त हो गया है अतीब हुन भाई ने एक जुमला तरतीब दिया है और उसमें लिखा है तरतीब दिया है? से पहले तो ये अल्फाज यहाँ पर कहा लिखे है ये बता दीजिएगा अतिब भाई इस तरफ आएंगे आप थोड़ा सा ताकि कैमरे में भी दिखाई पड़े जी माँ बाप से सच सच बोलना चाहिए ये पर लिखे ये बता भाई। इस आप जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आप मुझे देंगे और अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे माँ बाप से हमेशा सच बोलना चाहिए और सिर्फ माँ बाप से ही नहीं प्यारे बच्चों हमेशा वैसे भी सच बोलना, सच बोलना, सच बोलना चाहिए चाहे 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 आपके हो, आपके हो, आपके उस्ताद साहब हों 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 दोस्त पड़ोसी हो, कोई भी मुसलमान से आप बात कर रहे हैं हमेशा क्या करना चाहिए और आज आपने पूरे सेगमेंट के अंदर सुना ना कि सच ही बोलना है झूठ नहीं बोलना है बढ़ेंगे दोबारा टीम बी की जाने पर टीम बी से एक और बच्चे को बुलाएंगे आप आना चाह रहे हैं चलें आप आए माइक पकड़िए अपना नाम बताएंगे आप सैयद इकराम रजा सैयद इकराम रजा भाई सैयद इकराम रजा, रजा भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आपने देख लिया है समझ लिया है कर लेंगे चले माइक मुझे देंगे और uh, मार्कर आप ले लें मार्कर इनके पास से मार्कर ले लें और uh, एक प्यारा सा जुमला आपने लिखना है देखते हैं आप क्या जुमला लिखते हैं और हमें क्या सिखाते हैं जी सैयद इकराम रजा भाई हमारे साथ मौजूद हैं और जुमला देख रहे हैं सैयद साहब थोड़ी सी स्पीड मारेंगे आप देखते हैं कि क्या जुमला ये लिखते हैं इकराम अत्तारी जुमला जुमला लिख रहे हैं मुझे दावते भी इन्होंने थोड़ा सा ही लिखा है लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि ये जुमला क्या लिखना चाह रहे हैं क्या लिखना चाह रहे हैं किसी को समझ आ रहा है काफी बच्चों को समझ में आ रहा है आपने लिखा है मुझे दावत इस्लामी से मुझे दावत इस्लामी से इंशाल्लाह अपना बेड़ा पार, पार है सुभान अल्लाह सही देख राम रजा भाई आपने बहुत प्यारा जुमला जोड़ा है यहाँ कहाँ लिखा है ये भी बता दीजिए हमें हम्म इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी मुझे दावत इस्लामी, दावत इस्लामी से, से प्यार सुभान अल्लाह सारे बच्चे क्या कहेंगे आइए अपनी जगह पर आप बैठेंगे सारे बच्चे आवाज से क्या कहेंगे अल्लाह मुझे दावत इस्लामी से और हमें किड्स मदनी चैनल से भी इन बरकत से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हम सीखते भी रहेंगे तो प्यारे प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें आप बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सीख रहे थे जान रहे थे इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने को पहुंचा आपसे हमारी मुलाकात होगी इनशाज अगले एपिसोड में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ कुछ नई मालूम के साथ तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल हमारे प्यारे आका लाइफ ऑफ मोहम्मद लाइफ ऑफ मोहम्मद हमारे प्यारे आका की जिंदगी बच्चों का मदनी चैनल आ गया